देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। भोपाल महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक साल में हुए कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 313 बाल शिक्षा केंद्र के रूप में आंगनवाड़ियों को विकसित किया गया है। दूसरे चरण में 800 बाल शिक्षा केंद्र विकसित किए जाएंगे। सरकार चाहती है कि हमारे बच्चों को अच्छा पोषण आहार दिया जाए और जिस आंगनवाड़ी में अच्छा पोषण आहार मिलेगा उन्हें काम दिया जाएगा। वहीं जब उनसे आंगनवाड़ी में अंडे वितरित करने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अंडे खाने वाले 42.8% बच्चे अंडर वेट हैं। हम बीजेपी के दबाव में काम नहीं करने वाले। जो बच्चे अंडे खाते हैं उन्हें अंडे देंगे। वहीं उन्होंने बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना के लिए साल 2019 और 2020 में 921 करोड़ का प्रावधान है जिसमें से 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही यह भी बताया कि आगामी योजनाओं के लिए क्या काम किए जाएंगे। आज भी चल रही है और योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 19-20 में जो भी चल रहा है 921 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसमें से करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जिसको भी पात्रता है उसको लाडली लक्ष्मी का लाभ दिया जा रहा है। आप सब पता है, आपको जैसे हमारे बच्चों का भी पोषण आहार भिंड में बिकता पाया गया था तो वहाँ के हमने बाबू पे और ड्राइवर पे कार्रवाई करी थी, मुकदमा दायर करा था। आज भी जो जेल में है। फिर बीना में भी ऐसा हुआ था तो बीना में भी हमने कार्रवाई करी थी, मुकदमा दायर करा था और आज भी वो नौकरी से बाहर है। ग्वालियर में हुआ था तो ग्वालियर में भी जो कार्यकर्ता बेचते हुए पाई गई थी उसको भी हमने नौकरी से दूर करा है, उसको नौकरी से हटाया है। और जो हमने आपसे एक बात कह रही, चाहे आपका सहयोग हो चाहे कार्यकर्ता सहायता का सबके सहयोग से, अगर 14 महीना में इतना खराब काम चल रहा हो तो बीजेपी सरकार दिल्ली में बैठ के मध्य प्रदेश को इनाम कैसे दे दिया है ये तो बता दो। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल।